मैं मिश्रा जी आपके पास इसलिए आना चाहता हूं कि आप इस पूरे विवाद को पर लगातार अलग अलग चैनलों में बैठते रहे हैं और एक नई दृष्टि देने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारे दर्शकों के सामने बताइए एके मिश्रा जी, ये जो जमीन के अंदर खोद कर सबूत निकालने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये क्यों शुरू हुआ है और कब तक ये चलेगा और कहाँ कितनी दूर तक जाएगा, यानी इस सिलसिला का जो तह है, जो निकला है और नीचे कितना नीचे जाएंगे? देखिए प्रेम कुमार जी, मैं आपको बताऊं, जब से शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ मानव सभ्यता में, तो एक विषय बना इतिहास आर्कियोलॉजी। इसकी पढ़ाई और इसके अपने जो तरीके हैं वो आज से नहीं, सैकड़ों साल से हो रहे हैं। हाँ, विज्ञान की टेक्नोलॉजी की जितनी पहुंच जिस एज में रही है उस हिसाब से जो है तर्कों को और सत्य को ढूंढा जाता था और उसके आधार पर चीज़ों को इस्टेब्लिश किया जाता था। इसके प्रमाण भी है, हमारे पूर्वजों ने पूरे विश्व में हर जगह कई कई ऐसे स्मारक बनाए हैं ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को जानकारी दी जा सके। ये एक नॉलेज है, मैं इसको बोलता हूँ इतिहास और आर्कियोलॉजी। आप ये देखिए, अभी राखी गढ़ी का केस बहुत पॉपुलर हुआ है इंडिया में। अब वहाँ पे खुदाई, अगर खुदाई करना गलत है और तो इसका मतलब है कि वो भी खुदाई गलत थी। दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगहों पे, एक छोटा सा प्रश्न कि यूरोप में कहीं आप खुदाई कर लीजिए, वहां नहीं मिले हमें शिव जी, नहीं मिले श्री राम, नहीं मिले दूसरे भगवान, उनकी मूर्तियां ना मिले, तो क्या हम माने कि हमारे श्री राम, हमारे शिव जी, हमारे विष्णु जी यूरोप के लिए नहीं थे, वो केवल हिंदुस्तान के लिए थे, धरती के लिए नहीं थे, हमारे भगवान बस इसी धरती के लिए थे? नहीं नहीं, ये फर्क दूसरा है। देखिए, पूरी मानवता के लिए रोम रोम में, मतलब कण कण में राम है, वो बात वो दूसरा कॉन्सेप्ट है। लेकिन राम या शिव का जो मेन जो विग्रह होता है, जो देखिए ज्योतिर्लिंग जितने हैं वो स्वयं प्रकट होते हैं, उनके प्रकट होने के स्थान में समझौता नहीं किया जा सकता है। अगर वो वहां प्रकट हुए हैं तो वही द्वादश ज्योतिर्लिंग का कॉन्सेप्ट ये है हिंदू धर्म में, कि जहां ज्योतिर्लिंग स्वतः प्रकट होगा उसके स्थान में, जन्मभूमि में राम जहां प्रकट हुए हैं, जन्म लिए हैं, उसके स्थान में चेंज नहीं, कृष्ण जहां जन्म लिए हैं उसके स्थान में चेंज नहीं हो सकता। मानने के लिए, मंदिर बनाने के लिए आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी बना लीजिए, कोई भी उसको मान ले, इसमें मनाही नहीं है। इसी तरीके से दुर्गा के जितने भी हैं, आप ये देखिए विंध्याचल हो गया, वैष्णो देवी हो गया, जहां जहां सती के अंग गिरे हैं उन जगहों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ये मुद्दा खुदाई का ये है कि एक पक्ष बोलता है कि यहाँ पे भाई ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था, दूसरा पक्ष बोल रहा है मस्जिद है। तो मैं समझता हूँ इस समस्या को सॉल्व करने का सबसे बड़ा तरीका या सबसे बड़ा योजना जो हो सकता है वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास हो सकता है, इतिहास के पास हो सकता है, और खुदाई एक तरीका है। डेफिनेटली लेयर ओवर लेयर जमती जाती है, तो ये तो साइंटिफिक प्रोसेस है। आपने एक दूसरा चाहिए, तो आप कब तक खोजेंगे, कहाँ तक खोजेंगे, कितना खोजेंगे और कितने साल पहले का इतिहास खोजेंगे? क्राइटेरिया नहीं हो सकता है कि जहाँ तक, क्राइटेरिया ये नहीं हो सकता है कि जहाँ तक हिंदू और मंदिरों की बात आ रही है वहां तक तोड़ेंगे, लेकिन मंदिर अगर किसी और बौद्ध मठों को या किसी अन्य धर्म के प्रतीकों को तोड़ के बनाए गए हैं तो और भी तो खुदाई कितने मीटर तक नीचे तक करनी है, उसका तय कैसे किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जी मैं राहुल तालान जी के पास आता हूँ, लेकिन इस बीच एके मिश्रा जी उंगली उठा रहे हैं, तो बहुत संक्षेप में सर अपनी बात रख दे दर्शकों को। देखिए, हमसे उम्र में बड़े हैं, सम्मान है, मैं बोलता हूँ जैसे संसद भवन हो गया, वो वेल डिक्लेयर्ड है, वहां पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई भी हिंदू यहां पर भी प्रूव करना पड़ेगा कौन किस उम्र में बड़े हैं छोटे हैं, यहां भी एएसआई को बुलाना होगा, एक कोर्ट को बुलाना पड़ेगा। अरे प्रेम कुमार जी, तार्किक बात करें उसके लिए भी डॉक्टर बुला सकते हैं हम, और डॉक्टर जो है फीमर बोन से पता कर लेते हैं। आदमी जब मर जाता है तो हड्डियों में फीमर बोन से पता किया जाता है कि इस लाश की डेड बॉडी की उम्र क्या रही होगी। अरे हम लोग जिंदा हैं, हम वो भी कर लेंगे, हम लोग जीवित हैं। नहीं नहीं प्रेम कुमार जी, देखिए आप एक विद्वान वो हैं, ऐसे तर्क में हम लोग ना उलझे। मेरे कहने का मतलब ऐसा तो है नहीं कि हिंदू एकदम अंधा हो गया, जहां पहुंचा वही बोल रहा है कि जी यहाँ हमारा था, यहाँ हमारा था। कुछ विशिष्ट स्थान की मैंने परिभाषा दी और उन सारे, अब विंध्याचल का मंदिर है वहां तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, वहां खुदाई की बात हम नहीं कर रहे हैं, आपकी बात आ गई। जहां डिस्प्यूट है, जहां शक है, मध्य प्रदेश में धार उसको साइंटिफिक तरीके से सिद्ध किया जाए तो इसमें क्या गलती है?
या तो तलवार से लड़कर के सिद्ध कर ले या आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल पद्धति से सिद्ध कर ले। हमारा अधिकार वो नहीं है। नहीं नहीं आपके पूछने से नहीं होगा, नहीं आपके पूछने से नहीं होगा, वो पूछना पड़ेगा किसी जुडिशरी के आदमी को। हमारी हैसियत नहीं ना कि हम कोर्ट हमसे पूछे बताओ भाई सुरेश दुबे मैं करूंगा काम कि नहीं करूंगा। नहीं नहीं दुबे सर, दुबे सर देखिए आपने जो बोला कि भाई कोर्ट बड़ी जल्दबाजी में है, मैं आपको बोलता हूँ कि कोर्ट आज जल्दबाजी में थोड़ी है। कितने आतंकवादियों का मामला था, 12 बजे कोर्ट जल्दबाजी में खुल गई। हमारे यहाँ के वकील और कोर्ट बड़े तत्पर हैं। तो अगर शिव मंदिर में तत्पर है तो उसमें ऑब्जेक्शन क्या है? नहीं वो दो दो अलग अलग आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार को कोर्ट सुनने वाले मुस्लिम की सजा हुई थी और तत्पर थी और आज कोर्ट तत्पर है तो क्षण भर के लिए वो आप बिल्कुल किसी भी मामले में कोर्ट जो है जब फांसी हो ही जाएगी तो फिर कोर्ट सुन के क्या करेगा। तो जब वैसी इसमें वो अर्जेंसी थी तो उससे पहले अर्जेंसी सुनी जाती है इस बात को। अगर यही अगर यही रात में 12 बजे 500 साल एक घंटा पहले लोगों ने सुना, एक घंटा पहले फांसी के मामलों सुने गए जिसपे हजारों लोग मर गए, वो मुद्दा अर्जेंसी मरने दो। मिश्रा जी पॉइंट पर आते हैं, आपके पास ही सवाल लेकर आप थोड़े देर पहले भी बोलना चाह रहे थे इस विषय से पहले भी और संभवतः उस विषय पर बोलना चाह रहे थे कि जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ईश्वर को उनके सबूत को हम लोग जो अपने यहाँ खोज रहे हैं और मैं जब कह रहा था कि पूरी दुनिया में भी अगर मान लीजिए यूरोप में खुदाई की जाए और वहां अगर हमारे श्री राम ना मिले, वहां हमारे शिवलिंग ना मिले तो क्या ये माना जाए कि हमारे भगवान पूरी दुनिया में थे ही नहीं, ये माना जाए? तो आपका एक ऑब्जेक्शन आ रहा था। आप देखिए प्रेम कुमार जी, मुझे पता नहीं लोगों को पता है कि नहीं पता है, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था मिस्र वगैरह में भी खुदाई हुई तो सनातन धर्म से मिलते हुए वहां पे मिले वो रथ वगैरह ये इस तरह की चीजें सूर्य वगैरह की मिली है। तो कंबोडिया में मिल सकता है, पूरे एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अमेरिका में भी जाकर खुदाई करेंगे तो मिल जाएगा क्योंकि सनातन बड़ा व्यापक था जिस हिसाब से आप सवाल पूछ रहे हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, सारे बुद्धिजीवियों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, हम हैं इसलिए राष्ट्र है, ये बात गलत है। हाँ राष्ट्र है इसलिए हम हैं, राष्ट्र का सिद्धांत है इसलिए हम हैं। अगर राष्ट्र का सिद्धांत नहीं होता तो एक एक जिला अलग रहता, आपका भारत का जो है संकल्पना ही नहीं रहती। संविधान एक सिद्धांत है, संविधान है इसलिए भारत एकीकृत है। सनातन एक सिद्धांत है, एक राष्ट्र का संकल्पना उस वक्त दी गई हजारों साल पहले इसलिए है। तो ऐसे विचारधारा को पल्लवित मत करिए सर। मिश्रा जी आपने जो दो बातें कही दोनों तो सच्चाई, दोनों सच्चाई है। राष्ट्र के रूप में हम 1947 के बाद दिख रहे और उससे पहले छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। आपकी बात आप और उससे पहले जाइए, राष्ट्र का कॉन्सेप्ट अलग है। नहीं राष्ट्र 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 और राज्य में देश और प्रदेश अलग होता है सर। अगर आप सनातन, अगर मैं सनातन की बात करूं जिस पे ये डिबेट है, तो कंबोडिया तक हम फैले हुए थे, ठीक है। भौगोलिक राजा अलग अलग होते थे, राजा अलग अलग होते थे, वो बात लेकिन कंबोडिया पर भी हमला बोल देना चाहिए होता था। मिश्रा जी प्रेम जी ने ये नहीं कहा कि डिबेट पे क्या बुराई है सर, कोई बुराई नहीं है। कंबोडिया तक जाइए आप, अरे होगा सर, होगा एक दिन वो भी होगा। प्रधानमंत्री नेपाल गए हैं, नेपाल को मिलाने के लिए गए हैं। आप अपनी बात कंप्लीट, नेपाल हमसे अलग कहाँ पे है? आपस में प्रश्न न करके विचार रखिए, तब जाके मैं बोल रहा हूँ नेपाल हमसे अलग कहाँ है? सैद्धांतिक रूप से अलग है हमसे नेपाल, मूल रूप में सैद्धांतिक और ऐतिहासिक रूप से हमसे अलग तो नहीं है नेपाल। प्रशासनिक इकाई के रूप में भी तो मिल जाना चाहिए ना सिद्धांत। अरे प्रशासनिक इकाई बहुत छोटी चीज होती है सर, आप लेडर बनाइए, सबसे पहले सिद्धांत होता है, सिद्धांत राजनीति प्रिंसिपल के बेस पे। नेपाल हमसे अलग नहीं था, थाईलैंड
उन सबको भारत में सब पर हमला बोलिए, सबको भारत में मिलाइए। वहाँ से हमला बोल के हमने तब भी नहीं मिलाया था और हमला बोल के हम आज भी नहीं मिलाएंगे। हमने हमला नहीं देते हैं, हमने हमला बोल करके कंबोडिया को नहीं मिलाया था सर, हमने हमला बोल के कंबोडिया नहीं मिलाया था। ये बाम पंथी हमने हमला बोला था, हमने कंबोडिया पे हमला बोल के सनातन धर्म वहाँ फैलाया था, हमने हमला नहीं बोला था। अभी आप तो पहले सुनिए, पहले हम अपने विचारों से लोगों को प्रभावित करते हैं, हम प्रेम से हृदय जीतते हैं किसी को। मिश्रा जी थोड़ा सुनिए, नहीं देंगे ये कोई कम हम कम छोटा हमला है क्या? आप किसी को बोलने नहीं देते हैं, जितने भी लोग बोल रहे हैं सबके बीच में भी आप अपनी बात रख रहे हैं और अपना जो टाइम है उसमें तो आपको बोलना ही बोलना है। तो सवाल यह है कि आप जहाँ जहाँ हिंदू धर्म के आपको मिलते जाएं और जिन जो सबूत मिले जिनको आप मान लें कि ये हिंदू धर्म के सबूत हैं, सनातन धर्म में है, तो सबको फिर मिला लेना चाहिए। अब वहाँ के लोग, अब हम तैयार हैं लेकिन वहाँ के लोग तो तैयार होंगे नहीं। वहाँ के लोगों की अपनी भावनाएं होंगी, वहाँ के अलग दक्षिणपंथी दल होंगे, वहाँ के लोगों की अपनी भावनाएं होंगी तो वो मिलेंगे नहीं, तो फिर उन सबको हमला बोल के हमला करना पड़ेगा, सबको फिर मिलाना पड़ेगा। फिर पाकिस्तान को तो मिलाना है, लोगों का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ऑब्जेक्शन अपने देश के लोगों को है। ज्ञानवादी का सर्वे शुरू हुआ, न्यायालय एक्टिव हुई, उससे आपत्ति आ गई कि न्यायालय क्यों एक्टिव है जी। महेंद्र जी, मिश्रा जी,